Hello class, myself Deepthi. Now today let us proceed to the next topic, types of partnership. Okay, in the previous lecture we have already talked about the types of partner. Now this topic is just different from the types of partner. आप जो ये टॉपिक देख रहे हो टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है, नॉट अ टाइप्स ऑफ पार्टनर. जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ी थी टाइप्स ऑफ पार्टनर, वो डिफरेंट चीज़ है एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट चीज़ है. टाइप्स ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैसे कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, स्लिपिंग होते हैं या डोरमेंट पार्टनर होते हैं, किस तरीके के पार्टनर उसमें होते हैं. तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इस टॉपिक के बारे में इन द प्रीवियस लेक्चर. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के टाइप्स क्या होते हैं, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस करता है उसके क्या टाइप्स होते हैं, पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप, ये सारे आपके आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में. बट ये दो बेसिस पे डिवाइड होते हैं. फर्स्ट आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. फर्स्ट वी गो टू द ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. इन दिस पार्टनरशिप एट विल, इसमें फर्स्ट आपका है पार्टनरशिप एट विल. इट मीन्स वॉट, पार्टनरशिप एट विल मीन्स वो पार्टनरशिप जब कोई अपनी मर्जी से उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करता है, एक पार्टनरशिप फर्म को कैरी ऑन करता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप किया जाता है, जब उनकी मर्जी हो उस बेसिस पे ये पार्टनरशिप चलाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वॉन्ट एज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर्स गिव्स अ नोटिस ऑफ विदड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म. देखो ये ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर्स अपने मर्जी से चाहते हैं बिजनेस चलाना, अपने मर्जी से चाहते हैं उसको क्लोज कर देना. ये इन पर डिपेंड है कि वो क्या चाहते हैं, पार्टनरशिप को कैरी ऑन करना चाहते हैं या पार्टनरशिप को एट द टाइम पीरियड वो बंद कर देना चाहते हैं. इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अ पार्टनर्स वॉन्ट, पार्टनर्स जब तक चाह सकते हैं वो पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं, और जब उनका मन हो कि मुझे एक टाइम पे उस पार्टनरशिप फॉर्म को स्टॉप कर देना है, उस बिजनेस को बंद कर देना है, वो उस चीज़ को स्टॉप कर देंगे. पार्टनर्स गिवन नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फॉर्म, तो पार्टनर उस चीज़ का गिवन नोटिस भी देते हैं कि हम लोग अब इस पार्टनरशिप फॉर्म से निकलना चाहते हैं और हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, विल मतलब किसी की मर्जी, वो अपने मर्जी से उस पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, उस बिजनेस को चलाते हैं, और जब उनकी मर्जी होगी तो आप उसको वो बंद भी कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लोग पार्टनरशिप करते हैं. जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरीड ऑन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. मीन्स ये लोग पार्टनरशिप को बनाते हैं इस बेस पे कि वो उसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे किसी एरिया में ऐसी कॉलोनी बनानी है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहें जिनको आज की सोसाइटी रिस्पेक्ट देती नहीं है, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग सोसाइटी बनाते हैं और वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. या आप नॉर्मल कह सकते हो किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोग पार्टनरशिप किए हैं, वो एक टाइम पीरियड के लिए किए हैं. जब वो उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा या वो सोसाइटी बन जाएगी या वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम उनका ख़त्म हो जाएगा, तो वो एट द टाइम वो फिर उसको क्लोज भी कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर वर्ड वो यहाँ पे अच्छे से आपको बता सकता है कि पर्टिकुलर मीन्स किसी एक ऐसी चीज़, कोई एक चीज़ जिसके पीछे वो पार्टनरशिप करते हैं, एंड जब उनकी वो बिजनेस उस पेज पे ख़त्म हो जाती है, उस काम का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है जो प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए थे, अगर वो उनका प्रॉपर वे में सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, तो वो एक टाइम पीरियड में उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं.
बट यहाँ पे आप एक चीज़ जान जाओ, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी एक रीज़न के लिए वो पार्टनरशिप करते हैं, एंड जब उनका वो रीज़न बिजनेस करने का, उस बिजनेस को चलाने का ख़त्म हो जाता है, तो वो वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो ड्यूरेशन मतलब तो बताता है कि किसी टाइम पीरियड में लोग बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक टाइम पीरियड में बिजनेस को बंद कर देते हैं, एक टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं, जब वो प्रोजेक्ट उनका पूरा हो जाता है तो वो पर्टिकुलर पीरियड में ही उस चीज़ को बंद भी कर देते हैं। लाइबिलिटी का आपका डिफरेंट चीज़ है। लाइबिलिटी मीन्स है कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। तो पहली चीज़ ये कि जनरल पार्टनरशिप, अब देखो जनरल पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने अभी तक पार्टनरशिप के बारे में बात करते आए हैं कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं पे करने को, अगर उनका डेट अच्छे से रिपे नहीं किया गया तो उनको अपने पर्सनल असेट्स को भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जनरल पार्टनरशिप में आती हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन में इस चीज़ को ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड जो भी इनके फीचर्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे इनके फीचर्स होते हैं। ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं एक मैनेजमेंट में, कोई ऐसा नहीं रहता है इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं करे, सारे पार्टनर्स का इक्वली पार्टिसिपेशन रहता है मैनेजमेंट में। एंड द नेक्स्ट थिंग, द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो भी उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन रहता है वो सारे पार्टनर्स का राइट रहता है, वो इंजॉयफुल होके उस चीज़ को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। जैसे आप बोल सकते हो कि बाइंडिंग ऑन ईच अदर मीन्स वॉट, आपने फीचर्स में पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का पढ़ा होगा, म्यूचुअल एजेंसी का भी रोल यहाँ जनरल पार्टनरशिप में हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि फोर पार्टनर्स हैं, फाइव पार्टनर्स मान लो, और यू कैन टेक सिक्स पार्टनर्स मान लो, उसमें से एक पार्टनर ऐसा है कि वो फाइव पार्टनर के बिहाफ पे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारे डिसीजन लेता है, जो भी मेजर इशू रहते हैं उस चीज़ को हैंडल करता है, एंड उस चीज़ को फिर वो कंटिन्यू करता है, एंड सारे पार्टनर्स को भी बताता है कि इस चीज़ को कैसे करना है, क्या करना है। बट यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एजेंसी मीन्स वो ऐसा पार्टनर जो अदर पार्टनर के बिहाफ पे काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है और सारे डिसीजन लेता है, ये म्यूचुअल एजेंसी से हम बोलते हैं, जो कि जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम देखी जाती है। इसी के साथ हम लोग का एक और है, वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड वर्ड से आप बोल सकते हो कि इसकी पार्टनरशिप बहुत ही लिमिटेड हो। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर रेस्ट मे हैव लिमिटेड। इट मीन्स वॉट, देखो इसमें एक फीचर लिमिटेड पार्टनरशिप का ये है, अभी तक तो हम लोग ने पार्टनरशिप में ये पढ़ा कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट लिमिटेड पार्टनरशिप का फीचर एक ये है कि इसमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, बट एक पार्टनर ऐसा होता है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप में इसका फीचर होता है, किसी एक जो करता रहता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, एंड बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड रहती है। ऐसा इसलिए देखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ले सकते हो, जहाँ पे एक करता धरता होते हैं, एक ही होता है, और उसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी जो उसके पार्टनर्स एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे उस चीज़ को इसी फॉर्म में लिया गया, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हो। तो इस लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब मेन यही है कि इसमें एक पर्सन जो रहता है वो, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी ही चाहिए, एंड बाकी के पार्टनर जो रहते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट, देयर एक्ट्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट, एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर्स। देखो लिमिटेड पार्टनर्स का क्या रोल होता है, जैसे आप एक जॉइंट हिंदू डिवाइडेड फैमिली का, अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जाम्पल ले लो, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक एग्जाम्पल था कि उसमें जो करता रहता है उसकी सारी राइट्स रहती है, जो भी रिस्क रहता है वो बेयर करता है, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन रहता है वही लेता है, सारी चीज़ें वो करता है। बट मेन चीज़ इसमें ये देखो कि जो मेन इसका जो अदर पार्टनर्स रहते हैं, अगर उनकी लिमिटेड लायबिलिटी तो उनका कोई हक नहीं बनता है कि किस बिजनेस से किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करें या किसी चीज़ को वो
हैंडल करें या किसी चीज़ का डिसीजन लें, क्योंकि जब जिसकी लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड रहती है तो भाई जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी वो यही चाहेगा ना कि रिस्क वो बेयर कर रहा है, कैपिटल्स वो लगा रहे हैं, सारी चीज़ें वो डिसीजन ले रहा है, प्रॉफिट भी वही ले रहा है, लॉस को भी वही बियर कर रहा है, जो भी इशू है डेट्स को पे करने में वही लाइबल है, तो वो सारे सिनेरियो को देख के वो क्यों चाहेगा कि वो किसी और चीज़ का दिमाग ले, किसी और पार्टनर की सलाह ले, किसी और पार्टनर की डिसीजन ले, वो खुद उस चीज़ के लिए लाइबल रहेगा। नेक्स्ट थिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज़ कंपल्सरी। अब आप बोल सकते हो कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, इस पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो होती है वो कंपलसरी होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप डीड, इसको हम लोग भी आज ही कवर कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि पार्टनर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद आप पार्टनरशिप डीड पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। पार्टनरशिप डीड आप बोल सकते हो कि इट इज़ एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है दैट स्पेसिफाइज द टर्म एंड कंडीशन दैट हाउ एनी बिजनेस कैन रन। ये एक स्पेसिफाई करता है एक टर्म एंड कंडीशन एक पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के अंदर, कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कौन से टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करने चाहिए एंड इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हो, तो पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंटेंट्स और फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। फर्स्ट है आपका नेम ऑफ फर्म। आप जब कोई पार्टनरशिप चलाओगे तो उस फर्म का नेम तो होगा, उस फर्म का नेम आप दोगे, उसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट थिंग, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस मींस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है, आपकी फर्म किस टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रही है पब्लिक को, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी नेचर ऑफ बिजनेस में आता है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं कैसे। या नेचर हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जब भी नेचर की बात करो तो आपको दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए टाइप ऑफ प्रोडक्शन पे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे। एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस में आप ये भी बताओगे कि कहीं आप फॉर्म बिजनेस ओपन कर रहे हो तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसके ब्रांच कहाँ है, उसके मेन मेन ब्रांच जहाँ खुले हैं किस लोकेशन पे खुले हैं, उस लोकेशन को आप उसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। अब देखो, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस का क्या है कि एक टाइम पीरियड आप डिसाइड करोगे कि हमें इस बिज़नेस को कब चलाना है, किस टाइम पीरियड में चलाना है, कैसे चलाना है। मेरी जो पार्टनरशिप है ये मेरी 3 महीने तक चलेगी या 3 साल तक चलेगी या 4 महीने चलेगी या 4 साल तक चलेगी, ये आपको डिसाइड करना है। जो भी आप डिसाइड करोगे ये आपको बनता है कि जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट होती है, जो भी आपकी बातें उस एग्रीमेंट को लेके होती हैं वो रिटर्न फॉर्म में ही होनी चाहिए, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में ही होनी चाहिए, जहाँ पे आप उसका टाइम पीरियड भी लिखोगे पार्टनरशिप कब से और कहाँ तक चलेगा। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। देखो, अब एक ही तो उसमें इन्वेस्ट करेगा ना सारे पार्टनर, तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल देना तो सभी का बनता है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस मीन्स व्हाट, कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस को आप बोल सकते हो कि जो भी उसका उसको प्रॉफिट को कंपनी को गेन होगा, बिजनेस को गेन होगा, तो जो भी चीज़ें रहेंगी सारे पार्टनर्स इक्वली उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी उसके लॉसेस को इक्वली बियर करेंगे। सारे पार्टनर्स जो पैसे लगाते हैं फॉर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी इसमें मेंशन करना होगा, एक रिटर्न फॉर्म में एक स्पेसिफिक अमाउंट बताना होगा, कितनी कैसे क्या देना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स। ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स मीन्स किसकी क्या ड्यूटीज़ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, किसका क्या काम है, वो सारी चीज़ भी उसमें मैंशन होनी चाहिए। अगर किसी रीज़न से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी रीज़न से चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप बोल लो कि किसी पार्टनर की ड्यूटी है तो उसको क्या करना चाहिए, कभी कुछ इश्यू हो जाए, किसी बात को लेके दिक्कत हो जाए तो उस पार्टनर का क्या रोल होना चाहिए उस समय। अगर कोई पार्टनर रिज़ाइन दे दिया या चला गया या बोला मैं पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो उस समय उस पार्टनर को कौन सी ड्यूटी देनी चाहिए। अगर कोई बीच में ही पार्टनरशिप को छोड़ के चला गया तो उसके जगह कौन होना चाहिए, सारी चीज़ आपकी इसमें आती हैं। नेक्स्ट थिंग, सैलरीज एंड विदड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स।
सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर्स, आप कह सकते हो कि एक तो पार्टनरशिप फर्म में उनकी सैलरीज मंथली कितनी आती है और वो अपने विड्रॉल के लिए कितना यूज़ करते हैं, जिसको आप विड्रॉल को बोल सकते हो ड्रॉइंग। ड्रॉइंग एक ऐसा टर्म है जो आप कह सकते हो कि उसमें पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो सारी चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि उनको मंथली सैलरी कितनी मिलती है, उन्होंने कितना विड्रॉ किया है। नेक्स्ट थिंग, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें यह भी रहता है, एडमिशन मीन्स एडमिटेड, कि कौन सा ऐसा पार्टनर है जिसका अभी अभी न्यू जॉइनिंग हुआ है, और क्या है एक्सपल्शन मीन्स, आप कह सकते हो कि जिसको निकाला गया, किस रीज़न पे निकाला गया, किसी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से निकाला गया या कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ जो भी रीज़न है आप वो भी चीज़ मेंशन करोगे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में। एंड एडमिशन वर्ड से ही पता चलता है कि एडमिटेड, ठीक है। और रिटायरमेंट का आप समझ जाओ कि रिटायरमेंट मीन्स कोई एज लिमिट होगी कब उस पार्टनर की रिटायरमेंट होने वाली है। या एक्सपल्सन को ले लो कि एक्सपल्शन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट रीज़न भी हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो सारी चीज़ आपको एज अ रिटन डॉक्यूमेंट में आपको मेंशन करने ही होंगे। और पहली चीज़ ये कि जब एडमिटेड पार्टनर्स को हमें देना पड़ता है, कोई भी प्रॉफिट रेशियो डिवाइड करना पड़ता है, तो वो रेशियो कैलकुलेट होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। और जब रिटायरमेंट के टाइम हमें रेशियो को इक्वली प्रॉफिट रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो गेनिंग रेशियो होता है। रेशियो कैलकुलेट होते हैं एडमिटेड में सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स अगर वो कैपिटल लगा रहा है तो उसको उस पर ऑब्वियसली बात है कि जो भी बिजनेस में कैपिटल लगाओगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब है कि ड्रॉइंग मतलब मैंने आपको बताया है कि एक पार्टनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो ड्रॉइंग होता है, तो ड्रॉइंग की पेमेंट के साथ उसे इंटरेस्ट भी देना होता है। जैसे आप लोन लेते हो बैंक से, जब आप लोन चुकाते हो तो आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो ड्रॉइंग के लिए जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट निकालते हो और फिर उसको बाद में रिपे करोगे तो आप उसके साथ इंटरेस्ट भी दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब आपको बिजनेस कब बंद करना है, क्या रीज़न है, जो भी इशू है, लड़ाई की वजह से बंद करो या जो भी इशू है, या पार्टनरशिप में पार्टनर्स में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, पार्टनर्स के रिलेशन को लेके कुछ इशू हो गए हैं, जो भी चीज़ें, आपको सारी चीज़ उसमें मेंशन करनी होती है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या एंड ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्यों हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप कर रहे हैं, क्या रीज़न है। ये सारे चीज़, इसके सारे प्रोसीजर आपको लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए। जैसे प्रिपेयर अ डिसोल्यूशन डीड इन विच कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स देयर। ये नहीं कि आप पार्टनरशिप फर्म अपने से ही बंद कर दोगे, सारे पार्टनर्स के नॉलेज में होना चाहिए कि पार्टनरशिप बंद क्यों हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक इट्स अनलॉफुल या द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। तो जो भी प्रोसीजर हो, जो भी रीज़न हो, उस तरीके को कैसे हैंडल करना है, किस क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो सारी चीज़ आप इसमें मैंशन करोगे। नेक्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग मीन्स वॉट, कि देखो अकाउंट्स क्या, जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, अकाउंट मीन्स वॉट, जो भी आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अकाउंट किस बेसिस पे आप बना रहे हो, किस बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनल अकाउंट, बैलेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप कब कब उस अकाउंट को ऑडिट करोगे, उस अकाउंट को चेक करोगे, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, कौन से अकाउंट्स बना रहे हो एंड उसको किस टाइम पे चेक करना है ऑडिटर के थ्रू। ऑडिटर को आप ले सकते हो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, वो उनका रोल होता है कि वो इंस्पेक्शन करें एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ कमर्शियल एंटरप्राइज। उनका काम होता है किसी एक कमर्शियल एंटरप्राइज में सारी फाइनेंशियल ऑफिशियल फाइनेंशियल वर्क को वो इंस्पेक्ट करें एंड वेरिफिकेशन करें उस सारी चीज़ों को। ऑडिटिंग का मेन मतलब होता है कि एन ऑडिट इज़ अ फॉर्मल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ कमर्शियल एंटरप्राइज। देखो, नेक्स्ट थिंग इज़ कि
कंपनीज नीड्स टू कैरी आउट रेगुलर वेयर हाउस ऑडिट्स. कंपनीज को ये होना चाहिए कि वो हर दिन की, हर महीने की, हर साल की, हर चीज़ की ऑडिटिंग करे कि उसको एग्जैक्ट उस बिजनेस का स्टॉक पता चले एंड वो मैनेजमेंट कंट्रोल में है कि नहीं और एक्यूरेट है कि नहीं. इसके लिए प्रिपरेशन करना होता है अकाउंट्स का भी एंड उस अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी करनी होती है. नेक्स्ट थिंग इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स. मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स मीन्स आपका है कि जब किसी में कुछ कॉन्फ्लिक्शन इशू हो जाता है, किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या कुछ ऐसे डिस्प्यूट रीजन हो जाते हैं, तो फर्म में डिस्प्यूट होते हैं तो किसी को अपॉइंट करेगा या कोई एक्सटर्नल पर्सन आके उस चीज़ को सॉल्व करेगा. अदर में भी लॉयर और जज या जो थर्ड पर्सन है उस दोनों के बीच, दोनों पार्टनर के बीच में जो भी सॉर्ट आउट करता है, जो भी रीज़न है, किस मेथोडिकल फॉर्म में उस चीज़ को सॉल्व करना है, कौन सा थर्ड पर्सन आएगा, कौन उस चीज़ को सॉल्व करेगा, पार्टनर में जो भी इशू होता है, वो सारी चीज़ आपको इसमें अच्छे से बताने होंगे, मेंशन करने होंगे. दिस इज़ द मेन रीज़न. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन. हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एंड जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं या कोई भी डेफिनेशन हो किसी चीज़ से रिलेटेड, या जो भी चीज़, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, एंड जो भी छोटी छोटी मीनिंग आप की वर्ड्स पकड़ लो कि पार्टनरशिप डीड का मेन मतलब होता क्या है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर हो जाए, कि जब आप कोई चीज़ रीड करो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या समझाया गया है, कैसे क्या आप कर सकते हो. एक बार पहले ही बोला है कि कोई भी चीज़ आप रट के नहीं लिख सकते हो, आपको उसमें अपने वर्ड में मेहनत करनी ही होगी. ओके, सो फॉर टुडे we have discussed all about this types of partnership. In the next lecture we just go to the firm registration. So thank you for today class.